udah kamu dilihat. मेरा नाम सुनील श्रीवास्तव है सर। मेरा पेशेंट है कोविड है और कल सुबह मैंने उसको जेडी हॉस्पिटल में एडमिट करा था, ठीक है, और वहां से उसको अब इस समय रेफर कर दिया है और एक ये कार्ड मेरे हाथ में दे दिया है जेडी का, और ये कहा जा रहा है कि ये आप दीनदयाल में दिखाएंगे तुरंत लेंगे, और यहाँ इस कार्ड की कोई वैल्यू नहीं है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ बेड नहीं है। मैं अपने मरीज को कहाँ ले जाऊँ, अपने घर पे ले जाके और मरीजों को मरीज बना दूँ, जो सही सुथरे हैं उनको भी मरीज बना दूँ, बताइए कहाँ ले जाऊँ, सड़क पे ले जाके डालू मरीज को? जैसे सरकार लगातार दावा कर रही है कि हमारे पास, सरकार कुछ नहीं कर रही है, सिर्फ सरकार अपना उल्लू सीधा कर रही है और कुछ नहीं कर रही है सरकार, ये सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार कह रही है कि ना ऑक्सीजन कमी है, ना बेड की कमी, ना हॉस्पिटल की कमी है, ना डॉक्टर की कमी है, ऐसे में क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, आप तो न्यूज बना रहे हैं, अब मैं जानता हूँ मेरे बच्चे को लेकर कैसे सवेरे से डोल रहा हूँ, कल सुबह से न पानी पिया, आधे कप चाय पिए सुबह की 6:30 बजे की, उसके बाद मैं हॉस्पिटल में पड़ा हूँ 5 घंटे वहाँ पर। कोविड तो मेरे को पहले मालूम पड़ गया था, मैंने अपने इलाज में इनका जो सीट बुक कराई थी सीडी स्कीम, समझे, वहाँ उसमें बताया कोविड है, फिर हमने इसको लेके जगह जगह तलाश करा, सब जगह मना कर दिया प्राइवेट हॉस्पिटल में कि यहाँ पर कोई बेड नहीं है और कोई ऑक्सीजन नहीं है। अब सब ये तो मैं नहीं कह सकता सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है, बहरहाल हमारे साथ गलत हो रहा है, और अन्यथा हम जैसे अनपढ़ गमार आदमियों के लिए, एक मीडियम क्लास के लिए मरने के काबिल हो गए, हम कोई वैल्यू नहीं है, हमारी जिंदगी की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू उनकी ये एसीयों में पड़े हुए हैं, एसीयों में घूम रहे हैं, गाड़ियों में, वैल्यू उनकी है, हम लोगों की कोई वैल्यू नहीं, हम कीड़े मकोड़े हैं। आपके पीछे का भी कटी सुनिए, अरे बात हो गई थी कहाँ तक मैं कर रहा हूँ, एडमिट हुई थी कहाँ तक करेंगे यार, यहाँ कोई नहीं ले रहा यहाँ पे, थोड़ी एनर्जी ला रहे हैं तो खाएंगे।
मिठाई, मैं फोन मिला रहा, मेरे पास तो मिठाई है। वो सब पापा चोर बताओ। देखिए जी, सरकार इतनी बेहद है तो उसको कुछ नहीं मतलब। सामने वाले बंदे नौ से के कहते थे, उतना ड्रामा कर दिया कि नौ से लेंगे। उसके बाद उन्होंने सिलेंडर वेंडर सब कुछ थे, बट नौ से का चक्कर बना के उन्होंने कुछ भी नहीं करा। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि भैया जितने भी मरीज हैं सरकारी हॉस्पिटल में लेके जाए तो अपनी जिम्मेदारी पर लेके जाए, क्योंकि भैया सिलेंडर वेलेंडर होने के बावजूद भी लोग मना कर रहे हैं। कब आए थे आप लेके? अभी देखे आए थे, डेढ़ घंटा हो गया हमारे को। और हमारे को जेडी हॉस्पिटल से बोला गया था कि आपको दीनदयाल में सारी चीजें मिल जाएंगी, आपको आईसी मिल जाएगा, आपको सिलेंडर मिल जाएगा, एटी से सारी चीजें मिल जाएंगी आपको। बट यहाँ पे 1% कुछ नहीं मिला। बहाने में बहाने बनाए गए हैं कि भाई यहाँ पे नौसिल नहीं है, ये खो गया वो खो गया, कुछ भी नहीं मिला है। तो मेरी सरकार से यही कहने का है, क्या सरकारी हॉस्पिटल को सही कराया है या फिर बंद कर दिया है, क्योंकि जो किसी काम के नहीं है वो बेकार है।